मेवात जिला पुलिस की ओर से जिले में सीलिंग प्लान का रिव्यू किया गया। नूह में कुल 44 स्थानों पर नाके लगाए गए, जिनमें से जिला नूह के सभी उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रबंधक, प्रभारी चौकी, CIA यूनिट व अन्य पुलिस कर्मियों को नाके पर तैनात किया गया। नाकों पर तैनात कर्मचारियों को पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने चेकिंग भी की। पिनगांव थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की पुलिस अधीक्षक नाजनीन भसीन और दक्षिणी मंडल रेवाड़ी के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश अनुसार जिले में सीलिंग प्लान को रिव्यू किया गया। इन नाकों से जिला नूह के ट्रिपल राइडिंग, अवैध रूप से चल रहे संदिग्ध वाहन, बिना हेलमेट व नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा बिना लाइसेंस, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म आदि के खिलाफ चालान काटे गए। मेवात की आम जनता में पुलिस सुरक्षा व यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूकता आ रही है और इस अभियान में पीछे जिला पुलिस नूह का अहम मकसद भी यही रहा है कि आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो तथा जिला नूह को अपराध मुक्त किया जा सके तथा जिला नूह के वासियों को सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। ये हमारे आई साहब दक्षिण मंडल रेवाड़ी व SP पलवल के आदेश अनुसार जिला सील करने की नज़र से जिला सीलिंग प्लान चलाया हुआ है, जो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आज हमने सारे जिले में नाकाबंदी की हुई है। इसी के अंतर्गत हमारे थाना पनगवा में 3 नाके लगाए हुए हैं, जो तीनों जगह नाकाबंदी की हुई है। इस नाके का मकसद क्या है? क्या गाड़ी चेक करनी है या इस तरह की गतिविधि होती है तो उस गाड़ी को उसी टाइम राउंड अप करना है। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।